हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। ये देखिए, आज हमने आलू फ्राई बनाए हैं। अगर आप व्रत हैं और आपका तीखा और चटपटा खाने का मन है तो आप ये आलू बना सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी है। एक बार ट्राई ज़रूर करें, फिर कमेंट करके मुझे बताएं कि ये आलू फ्राई कैसे लगे आपको। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं दोस्तों, एक बार ट्राई ज़रूर करना, वीडियो पूरी देखना। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ये 3 से 4 छोटे छोटे आलू लिए हैं, 4-5 आलू हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। बॉईल करके ये इस तरह से हमने चाकू से काट लिए। आप चाहें तो हाथ से भी तोड़ सकते हैं या चाकू से काट सकते हैं, किसी तरह भी आलू को काट सकते हैं। ये देखिए, हमने सभी आलू इस तरह से काट लिए हैं और अब इन्हें ये चिपक जाते हैं तो थोड़ा हटा दिया है हाथों से। तो अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई रखी है गैस पे, उसमें डाला है हमने 1 चम्मच घी और इसे लो फ्लेम पे ही गरम करेंगे। और ये हमने 2 चम्मच डाले हैं मूंगफली और इसे रोस्ट कर लेंगे दोस्तों इसी तरह लो फ्लेम पे। हमें भूनना है इन्हें और जब ये मूंगफली भुन जाएंगी उसके बाद हम निकाल लेंगे इन्हें। और ये देखिए, हमारी मूंगफली भुन चुकी हैं, अब इन्हें निकाल लेंगे हम। सभी मूंगफली हम अपनी निकाल लेंगे इस तरह से। दोस्तों गैस लो ही रखनी है और अब इसी घी में हम डालेंगे जीरा और ये डाल दिए हमने हरी मिर्च और इसे भी तलेंगे। दोस्तों गैस लो ही रखनी है हमें, इस तरह से धीरे धीरे हम अपनी हरी मिर्च भी तल लेंगे। 3 से 4 हरी मिर्च हैं, आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम डाल देंगे अपने आलू जो कटे हुए थे, अब इन्हें कर लेंगे मिक्स अच्छे से। और अब डाल दिए हमने अपनी तली हुई मूंगफली भुनी हुई और डाल दिया है नमक और काली मिर्च पाउडर और अब करेंगे अच्छे से मिक्स इसे। दोस्तों 1 से 2 मिनट हम इसी तरह से लो फ्लेम पे इसे तल लेंगे। इस तरह से लगातार चलाते हुए तल लेंगे। ये दोस्तों बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। जब भी आपका तीखा खाने का मन हो तो आप ये आलू बना सकते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आप देख सकते हैं हमें आलू इसी तरह से 2 मिनट तक चलाते हुए तलना है। अब ये डाल दिया है हमने हरा धनिया और इसे भी कर दिया है मिक्स। आप चाहें दोस्तों यहाँ पर नींबू का रस डाल सकते हैं अगर आपको खट्टा पसंद है तो। और अब आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें निकाल लेंगे हम बाउल में। और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं आलू, ये देखने में ही इतने टेस्टी हैं तो खाने में कितने टेस्टी होगी, एक बार ट्राई ज़रूर करें। दोस्तों बहुत ही टेस्टी बने थे आलू, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी कैसी लगी। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ